हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम अंसूर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टेड होने लगी है। तो आज हम इसमें थार 4x4 एक्सट्रीम का ट्रायल करने लगे हैं। रियल टेस्ट है भाई, और देखते हैं कैसा ये चलती है, पास होती है या फेल होती है, ये तो देख कर ही पता चलेगा। है इंडिया की भाई, तो फेल तो नामुमकिन है, फिर भी देख ही लेते हैं। तो यार काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भाई इंजन में इसको पानी नहीं दिया होगा, मुंह लगे साइड में मार दी थी। इस तरह तो बंद हो जाती है गाड़ियां ना भाई, ये तो हल्की सी बच गई, नहीं तो इसमें भी टकरा सकती थी। हंस गई है वो भाई, बहुत ज्यादा पानी जा रहा है। ये क्या हुआ? गाड़ी से आईफोन गिर गया। आईफोन गिर गया? हाँ सेफ है, बच गया। अभी मैंने फोन निकाला था भाइयों, मैं अरुण पवार हूँ अपना, इससे शूटिंग करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, एकदम से फोन गिर पड़ा क्योंकि हम बैठे हुए थे भाई इसके अंदर, और भाई का कहना है इसके अंदर सॉलिड एक्सल्स हैं भाई, और भाई ने एकदम से मुछाल दिए। नहीं मतलब ये ट्रैक भी वैसा था, मतलब इंटेंशनली नहीं किया मैंने। अरे अरे भाई यार, आप इंटेंशनली करोगे क्या? क्या बात है ये भाई। अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, हमारे 9-10 गाड़ियां हैं और एक से खतरनाक गाड़ी है भाई। इतने ऊंचे ऊंचे पत्थरों पे हम आज करने जा रहे हैं ऑफ रोडिंग। उसमें गाड़ी फंसती ही फंसती है। खैर अभी तो भाई देखो नॉर्मल पानी में से ऐसे प्यार से आ जाती है। ये भी तैयारी है यार। अभी भाई हम लोग जा रहे हैं वापसी क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अटक गई है। हमारी मेहनत थार अब से पहले दम दे चुकी है क्योंकि उसको मिस्टर आकाश पवार जी चला रहे थे, पता नहीं भाई क्या ही कर दिया उसने, इंजन खोल के खड़े हो गए हैं। क्या कर दिया भाई? स्टार्ट ही नहीं हो रही बैटरी का, तार कैसे ढीला हो गया? कितनी पहाड़ में सारे पत्थर हैं ये। जम्मू वाले भाई बेइज्जती करवा रहे हो, दुनिया भर की थार है, हमारी में दिक्कत आएगी क्या? हमारी में दिक्कत आ नहीं पा रही थी, स्टार्ट ना हो रही थी, रिवर्स गियर फंस गई, उसका रिवर्स फंस गया, नॉब फंस गया। मेरे को सबसे बड़े जिप्सी लगी है, ये लगी थार इधर, तो भाई गाड़ी खराब होनी ही होनी है। इलेक्ट्रिकल काम कम होगा उतना सही है भाई। क्या देखियो कहीं भी पर भाई ऐसे पत्थरों पे चढ़ा रहे हैं भी। और ये बताओ पहले अब हो गई अब स्टार्ट? हो गई, हमने इसको पकड़ के रखा फिर स्टार्ट किया। जहाँ पे ऑफ रोडिंग की बात आ गई ना भाई, इसके आगे सब रियलिटी में फेल है इसका, तो देखना ये ही इतनी नीचे रेडिएटर भाई। आ जा बचगी। मतलब थार लो तो उसमें जरूर से भाई ये रेडिएटर गार्ड तो लगवा लो। अब ये देखना इतना बड़ा पत्थर है, जिप्सी विप्सी वाले भाई तो ऐसे खींच ले गए सारे के सारे। थार भी चली गई लेकिन ड्राइवर के ऊपर भी बात रहती है जब ऑफ रोडिंग की बात आती है। बिल्कुल अब तो सीधा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर दिया इन लोगों ने यार, ये रास्ते में इतना पानी। अभी तो वहां से निकल के आए हम लोग सारे के सारे थार लेके, ये तो पूरी की पूरी आधी डूब गई इसमें। जिप्सी है तो कुछ भी, ये भाई को लगा कि यार ये कम ओंडा है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही पाया, और अब ये बिठा दी। अब कैसे निकलता है, कैसे निकाल रहे हैं? बैटरी से चलता है क्या? बैटरी से चलेगा। हाँ बैटरी, यहाँ पे ये फायदा होता है ना, वो जिप्सी फंस चुकी है भाई वहाँ पे, भाई को लगा भाई मतलब ऐसा चला जाएगा, नॉर्मल पानी होगा लेकिन वो ज्यादा ही हो गया। अब क्या बैक खींचोगे इसको? वो मतलब दम तोड़ गई पूरी की पूरी गाड़ी, बहुत गहरा पानी, देखना भाई पूरे तो डूबे पड़े उसमें, देखना भाई। ये तो एक्सट्रीम लेवल भाई का फोन, जैसे मेरा पहला फोन गिरा था ना एकदम स्टार्टिंग में, 1.5 लाख भाई का फोन, भाई का फोन गिर गया उसमें यार। स्विमिंग करने जा रहे, देखना यार पूरी गाड़ी में पानी पानी भर गया यार, अब टपक रहा है यार, तो ज्यादा अंदर चली गई थी। अरे ये लोग देखना कितने डूब रहे हैं, ऑफ रोडर सबसे बढ़िया इनका काम है। तो भाई इसकी तो बात ही अलग है, कोई 4-5 लाख की जरूरत नहीं है। हाँ वो कितनी आसानी से जा रहा है इनके ट्रैक्टर तो भाई, और भाई वो लोडेड है पीछे। हाँ वो
सारा लोडेड था भाई। इतना वजन लेके अकेले निकल जा रहे हैं। नहीं से किसी में जान भाई, सारी हैवी खा रहे हैं। हां इंजन विंजन की दिक्कत बनी थी, लेकिन इंजन तो सारा ठीक है। देखा वो गई रुक गई इसको ना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पब्लिक के लिए, इसलिए नहीं बनाती। कभी कोई पहाड़ से कुत्ती टप नहीं है अभी, वो हो गई थी धक धक सबको गई, गाड़ी खत्म तो नहीं हो गई, लेकिन निकल कैसे गई यार। असली तो थार का पता चलेगा ना, थार वाले भाई की धक धक। ये महिंद्रा गई नहीं थार है, ये थार थार को पता ही नहीं चलता भाई किधर हूँ। जम्मू वालों, अरे चली जाएंगी सारी थार। क्या बात, सारी जाएंगी भाई। ये तो एक बार में गई मारुति की, इसका मुंह भी बंद हो गया। जम्मू वाले बहुत जिगरे वाले आदमी भाई, तुम ले जाते कभी, इसके तो आगे फटे रह गई। मुझे ही ले जानी पड़ेगी क्या? मेन तो बाइक ये कितनी प्यारी है, हां ये भी जाएगी, ये निकलेगी नहीं निकलेगी मेन तो। गई थार भी, अब हम थार के अंदर बैठ गए भाई। ये है 20 इंच वाली, इसमें 20 इंच का नोबिल था। ये तो बहुत ऊपर तक पानी में यार, देखें अंदर नहीं जाएगा फिर। ये भाई पेट्रोल है डीजल है? क्या बात है यार। अरे यार भाई मस्त ड्राइवर है एकदम। इंटीरियर कितना प्यारा है इसका भाई, निकाल दिया कितनी आराम से आई है ना। अब यहाँ पे आ तो गई है सारी गाड़ियाँ, लेकिन किसी पे भी नंबर प्लेट नहीं है भाई। हाँ? सारी पानी में ही गिर गई। ओए पानी में ये देखेंगे आती है नहीं आती। ये रुकी सारी नंबर प्लेट सबकी गिर गई। ये रुकी, ये रह गई दिखती है। नहीं आ जाएगी भाई, ये आ जा निकल जाएगी। निकल गई यार, आ गई लेकिन सब की गिर गई भाई। वो जो जिप्सी थी उसकी बैंड हो गई। हाँ नीचे पत्थर है ना असल में ये। ये कितनी आराम से आ गई, आराम से गई। क्या नंबर प्लेट इसकी भी गई इसकी भी गई, सबकी जा रही है। क्यों यार, इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई क्या कमाल की यार गाड़ी यार, इन लोगों ने वाकई जो हैरान कर दिया है ना, कि यार हर चीज में प्यारी होती है, वाकई भी प्यारी है। अब देखो इतनी प्यारी आराम से चली जाती है, और इनकी लुक देखो हर चीज के लिहाज से यार कमाल है भाई। इस तरह की गाड़ी पाकिस्तान में हो तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मैं खरीदूँ। बिल्कुल, और इसकी कीमत क्या है कॉमेंट सेक्शन में। इंडिया में तो भाई यही 6-7 लाख रुपए की होती है न्यू। और ये गाड़ी कितनी प्यारी है देखो तो सही ना। बिल्कुल, क्यों ये इंडिया में खुद बन रही है इसलिए सस्ती है। हाँ, इसकी कितनी खूबसूरत कार है भाई। ये इससे हमें इंडिया की चीजों का पता चलता है कि भाई इंडिया कितनी कमाल की चीजें बना रहे हैं। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा लगा यार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।